हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू योर चैनल आशीष वेबकास्ट। मेरा नाम है आशीष पाल। करंटली मैं माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रहा हूँ एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। चलो अपनी क्लाउड की जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये समझा कि हमें कौन सा सर्टिफिकेशन चूज करना है जो हमारे करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे प्रॉपर फिट बैठे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर फंडामेंटल सर्टिफिकेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी डिले के। बट हाँ, उससे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरी बाकी वीडियोज़ को भी देख लें। उन सभी वीडियोज़ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। तो दोस्तों, समझते हैं क्या है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर फंडामेंटल्स सर्टिफिकेशन एंड इस एग्जाम को कौन अटेम्प्ट कर सकता है। सो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर फंडामेंटल्स सर्टिफिकेशन को अटेम्प्ट करके आप प्रूव कर सकते हो कि आपकी नॉलेज क्या है रिगार्डिंग क्लाउड कंसेप्ट, एज्योर सर्विसेज, एज्योर वर्कलोड एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इन एज्योर। अब इस एग्ज़ाम को या इस सर्टिफिकेशन को अचीव करने के लिए आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ता है, विच इज़ AZ 900। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को कौन अटेम्प्ट कर सकता है। इस एग्ज़ाम को कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है जो कि क्लाउड फील्ड में बिगनर हो या क्लाउड सर्विसेज को सीखना चाहता है एंड क्लाउड में मूव करना चाहता है। तो दोस्तों, हमें एक बेसिक सा आइडिया हो गया है कि ये सर्टिफिकेशन क्या है और इस सर्टिफिकेशन को कौन अटेम्प्ट कर सकता है। इस सर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्टिफिकेशन के ऑफिशियल पोर्टल पे। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली मेरे स्क्रीन पे और देखते हैं सर्टिफिकेशन के बारे में। सो दोस्तों, आई होप मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि इस समय हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्टिफिकेशन के ऑफिशियल पोर्टल पे हैं, एंड ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर फंडामेंटल्स सर्टिफिकेशन की डिटेल्स। सो इस सर्टिफिकेशन डिटेल्स में बेसिकली ये बताता है कि अगर आप इस सर्टिफिकेशन को लेते हैं तो आपकी क्या नॉलेज, किस नॉलेज को वैलिडेट किया जाएगा। बेसिकली आपकी क्लाउड सर्विसेज या क्लाउड कॉन्सेप्ट्स या कौन सी सर्विसेज एज्योर में हैं, इस नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा इस सर्टिफिकेशन में। नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं तो अगेन ये बताता है कि कौन इस सर्टिफिकेशन के लिए बेस्ट फिट हो सकता है, विच यू कैन रीड फ्रॉम द पोर्टल। देन इट शोज what are the recommended tips or you can say materials that are given. So basically ये एक पहले बताता है कि आपको क्या skills measure होंगी इस certification में, तो उसके लिए एक अलग से link दे रखा है। हम इसको open कर लेते हैं अलग tab में, हम इसको proper देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। Then ये कह रहा है कि आप training ले सकते हो, जैसे Azure Virtual Training Day Fundamentals आता है, तो इसको हम आगे discuss करेंगे detail में। एंड देन आप प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स ले सकते हो, आप एज्योर का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, एंड जो भी सर्विसेज एज्योर सर्विसेज हैं उनको एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो, सो दैट आपको पता होना चाहिए कौन सर्विस क्या है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा जो कि है AZ 900, इस सर्टिफिकेशन को अचीव करने के लिए। सो इसको ओपन कर लेते हैं अलग टैब में। सबसे पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम AZ 900 एग्ज़ाम गाइड क्या है। तो ये बता रहा है कि आपका जो पहले तो सर्टिफिकेशन क्या है और कैसे अर्न करना है, देन पासिंग स्कोर क्या है। सो जैसे कि सभी सर्टिफिकेशन 1 to 1000 की स्केल में आपका उनका जो रेट जो मार्क्स होते हैं 1 to 1000 की स्केल में होते हैं। सो बेसिकली आपको 700+ स्कोर करना पड़ेगा इस सर्टिफिकेशन को क्लियर करने के लिए। अगेन देयर इज अ सैंड बॉक्स जहाँ पे आप सर्टिफिकेशन, अगर आप नए हो सर्टिफिकेशन के लिए तो आप एक बार उस एनवायरनमेंट को देख सकते हो, विच इज एक्चुअल एनवायरनमेंट जहाँ पे आप टेस्ट देते हो। देन आगे बढ़ते हैं तो ये आपको एग्जैक्ट बताता है कि किन स्किल्स को मेजर किया जाएगा एंड हर स्किल की क्या वेटेज क्या होगा इस सर्टिफिकेशन में। सो पहला है Describing cloud concept, so which will be 25 to 30%. Next है आपका Azure architecture and services, जो कि आपका इस exam में 35
से 40% का वेटेज होल्ड करेगा। देन आफ्टर दैट वी हैव एज्योर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस विच विल बी अगेन 30-35% ऑफ टोटल ऑफ दिस एग्जाम, राइट। आगे आप बढ़ोगे तो जो ये तीन बेसिक जो स्किल्स जो मेजर करने को बता रहा था उसको और डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है कि आपको क्या पढ़ना है। सो जैसे कि एक हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि डिस्क्राइबिंग क्लाउड कंसेप्ट, तो ये क्लाउड कंसेप्ट में कह रहा है कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये पता होना चाहिए, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या होता है क्लाउड का ये पता होना चाहिए, देन आपको प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए, क्या अप्रोप्रिएट यूज़ है इन तीनों मॉडल का आपको ये पता होना चाहिए, देन क्लाउड प्राइसिंग मॉडल आपको पता होना चाहिए, देन बेनिफिट क्या है क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करने का इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज जैसे कि IaaS, PaaS एंड SaaS, आप सबने इनके बारे में सुना होगा। सो इसी की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है ये सर्विसेज। सो इसी तरह बाकी स्किल्स के बारे में भी डिटेल मेंशन किया गया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमने टैब में जो लिंक खोला था उसको देखते हैं क्या है ये। सो इट्स सेज सेम थिंग जो हमने पहले पोर्टल पे पढ़ा कि हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेने से पहले, तो यही सब चीज़ें बता रहा है। उसके बाद इसने यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कौन सा एग्ज़ाम, सो इट इज़ AZ 900 एग्ज़ाम, ये आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप इसकी प्राइस देखें इंडिया में तो ये है आपका 3696 रुपीज़ का। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस सर्टिफिकेशन के लिए कुछ एक रुपया भी खर्चा नहीं करना है, आप कैसे इस सर्टिफिकेशन को फ्री में ले सकते हो। सो दोस्तों अब आते हैं इस सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन पर। सो इस सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक समझना है कि एज्योर क्लाउड क्या है एंड व्हाट आर दी सर्विसेज ऑफर्ड बाय एज्योर क्लाउड। सो आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना है इस सर्टिफिकेशन को क्लियर करने के लिए, इवन आपको इस सर्टिफिकेशन की कॉस्ट भी कुछ नहीं देनी है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा कैसे वो करना है। सो तीन मेजर रिसोर्स हैं इस सर्टिफिकेशन को प्रिपेयर करने के लिए, पहला है माइक्रोसॉफ्ट लर्न एंड दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल ट्रेनिंग डेज एंड थर्ड इज डम्स। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिसोर्स से विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट लर्न। सो माइक्रोसॉफ्ट लर्न क्या है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पे ना सिर्फ आपको एज्योर बल्कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो आपको वहाँ पे मिल जाती है। सो लेट्स एक्सप्लोर दी माइक्रोसॉफ्ट लर्न पोर्टल फर्स्ट। ओके लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। ये वही पोर्टल है जो हम जब हम सर्टिफिकेशन एक्सप्लोर कर रहे थे वहीं पे। तो अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, सो देर आर यहाँ पे दो वेज लिखे गए हैं टू प्रिपेयर फॉर दिस सर्टिफिकेशन। फर्स्ट इज ऑनलाइन फ्री एंड सेकेंड इज इंस्ट्रक्टर लेट पेड। तो हम ऑनलाइन फ्री वाला देखते हैं इस पर क्या है। सो अगर आप देखेंगे तो ये थ्री स्किल्स थी जो कि इस सर्टिफिकेशन में मेजर होने वाली हैं। सो अगर आप इसमें से एक पे क्लिक करते हैं एंड देन लेट्स गो टू दैट टैब। सो यहाँ पे बताया जैसे कि ये जो स्किल थी डिस्क्राइब क्लाउड कंसेप्ट्स, सो इसके बारे में प्रॉपर एक पाथ बना हुआ है एंड जो भी नॉलेज आपको चाहिए होगी सर्टिफिकेशन में वो यहाँ पे मेंशन की गई है। आप ये ज़्यादा बड़े मॉड्यूल्स ज़्यादा लेंदी मॉड्यूल्स नहीं होते हैं, आपको काफ़ी कम टाइम में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आप इनको टेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हर मॉड्यूल को एंड करने के बाद एक नॉलेज चेक भी दिया गया है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी नॉलेज हुई इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद। सो इस चीज़ को आप गो थ्रू कर सकते हैं। आप इसी तरह से बाकी जो दो स्किल्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं एंड ज़्यादा लेंदी मॉड्यूल नहीं है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। दूसरा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल ट्रेनिंग डेज है, सो उसमें क्या होता है बेसिकली आपको कुछ ट्रेनिंग दो दिन की होती है अराउंड एंड देन आपको एक वाउचर मिलता है जिसके थ्रू आप ये सर्टिफिकेशन ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, एक रुपया भी इस पर स्पेंड नहीं करना है।
सो लेट्स गो टू दैट पोर्टल एंड चेक कि कैसे आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं या क्या डिटेल्स है। सो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल ट्रेनिंग डेज। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी आपकी लैंग्वेज या आपकी लोकेशन के हिसाब से कुछ ट्रेनिंग्स हैं, जैसे कि हम किसी यहाँ पे देख पा रहे हैं एक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल ट्रेनिंग डे फंडामेंटल्स है जो कि 14th of December को है। यहाँ पे क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल्स में और देखते हैं क्या है ये और डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। सो ये ट्रेनिंग जो है ये 14 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगी, 2 days की ट्रेनिंग होगी। एंड इसमें आपका जो भी जो बेसिक क्लाउड की नॉलेज है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये चीज़ की नॉलेज आपको दी जाएगी और कौन इसे अटेंड कर सकता है। सो डेवलपर्स, आर्किटेक्ट, आईटी प्रोफेशनल एंड क्लाउड नोवाइसेस। अभी क्या करिकुलम होने वाला है, सो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पार्ट वन में एज्योर क्लाउड कॉन्सेप्ट होगा, देन एज्योर कोर सर्विसेज होगा, देन एज्योर सॉल्यूशन एंड मैनेजमेंट एंड टूल्स होगा, एंड देन सेकेंड पार्ट जो सेकेंड डे होगा उसमें एज्योर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी गवर्नेंस, प्राइवेसी एंड कंप्लाइंस को कवर किया जाएगा, साथ ही साथ एज्योर प्राइसिंग एंड लाइफ साइकिल को भी कवर किया जाएगा। सो आप और जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक वाउचर मिलेगा एंड आप उस एग्ज़ाम को फ्री में अटेंड कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है रजिस्टर करने से पहले, लाइक योर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंट्री, जॉब रोल एंड दीज थिंग्स यू हैव टू फिल एंड रजिस्टर फॉर दिस वन। सो आई एम जो थर्ड आपका जो फ्री रिसोर्स है जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, दोज आर डम्स। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको डम्स को एग्जैक्टली आपको हर क्वेश्चंस को रट लेना है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं एंड जो डम्स होते हैं उन पे उनका सॉल्यूशन भी प्रॉपर मेंशन होता है और काफ़ी डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको बताया जाता है। तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ें एंड उसका सॉल्यूशन देखें, तो इससे आपके जो कंसेप्ट हैं और भी क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको रट लेना है, रटना नहीं है, बस कंसेप्ट समझना है उन डम्स से। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको ये पता चला होगा कि इस सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन रिसोर्सेज को यूज़ करना है इसके प्रिपरेशन के लिए। एंड ये जो ये मेरी एक सीरीज रहेगी अबाउट एज्योर सर्टिफिकेशंस, एंड इसके बाद जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ विच विल बी अबाउट AZ-104, ये काफ़ी फेमस सर्टिफिकेशन है। एंड इसके अलावा मैं एक और सीरीज़ बनाना चाहता हूँ रिगार्डिंग एक्टिव डायरेक्टरी कंसेप्ट। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आपको AD में आपको क्या कंसेप्ट समझना है, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।